महाराष्ट्र में सरकार के मंत्री लगातार आरोपों में घिर रहे हैं। पहले पंकजा, अब विनोद तावड़े। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ के ठेके देने का आरोप लगा है, लेकिन बीजेपी ने इसे बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ठेके को मार्च में ही रद्द कर दिया गया था। लेकिन विपक्ष के आरोपों और सहयोगी शिवसेना के सवाल उठाने से सरकार की फजीहत हो रही है। पहले पंकजा मुंडे पर घोटाले का आरोप, अब शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े। महाराष्ट्र में मंत्रियों पर घोटाले का आरोप लगातार लगने से फडणवीस सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री विनोद कुमार तावड़े पर सरकारी स्कूलों में आग बुझाने वाले यंत्र की खरीद के लिए बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका देने का आरोप लगा है, लेकिन वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद ठेके पर रोक लगा दी गई। आरोप लगने और अखबार के जरिए खुलासा होने पर महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े मीडिया से मुखातिब हुए और इसे बेबुनियाद आरोप बताया। अभी शिक्षण विभाग के फायर एक्सटिंग्विशर के परचेसिंग के बारे में, खरीदी के बारे में जो तथ्यहीन निराधार आरोप सरकार पे किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से हम खंडन करते हैं। ये मिथ्या है, झूठ है, आधारहीन है। कोई कागजी पुरावों के बिना आधार के आरोप किए जा रहे हैं। जब ये खरीदी की नस्ती फाइल वित्त विभाग के पास आई थी, उसमें कुछ त्रुटियां निकाली गई थी और मैं शिक्षण मंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने तुरंत ये नस्ती बंद कर दी। फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो जो क्वेरी निकाली गई उसके बारे में जैसे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्या, तो वो फर्निश की गई। फिर उसमें आरसी अधिकृत नहीं है तो वो डायरेक्ट ऑन सप्लाईज और डिस्पोजल के सर्टिफिकेट के द्वारा कैसे उसकी जानकारी दी गई। 15 फरवरी के बाद परचेस ना करें तो ये परचेस पहले ही उसकी ऑर्डर गई थी, या फिर ये पहली बार कर रहे हैं क्या, तो 27,000 स्कूलों में पहले ही दिया गया है, उसके कौन से डेट की मान्यता है वो जानकारी दी गई। 191 करोड़ की खरीदी हुई क्या, तो 191 तो छोड़ो, हमारे पास जो 16 करोड़ शिक्षा डिपार्टमेंट के बचे थे उतनी भी हमने खरीदी नहीं की। कांग्रेस और आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार घोटाले को बढ़ावा दे रही है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ये सब मामले सामने आ रहे हैं, सरकारी नियम ये है कि 3 लाख से ज्यादा अगर आपको कोई खरीदारी करनी है तो उसका टेंडर आपने निकालना चाहिए। यहां पर जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मामला सामने आया है, 100 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करने का आपका प्लान है और 3 लाख के लिए तो सरकारी टेंडर है, लेकिन 100 करोड़ का निकाल रहे हो उसके लिए आप टेंडर निकालने की जरूरत नहीं समझ रहे हो। कहीं न कहीं ये लगता है कि भारतीय मानस के साथ ये धोखा हुआ है। एक एक प्रधानमंत्री, एक सरकार जो भ्रष्टाचार के लॉन्ग अल्टार पर चल के आई थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 1.5 वर्ष के अंदर 1.25 वर्ष के अंदर अगर उनके इस तरह की चीजें उनके समक्ष आ रही हैं, तो इससे एक मैसेज जा रहा है कि पता नहीं कहां कहां तक भ्रष्टाचार की ये जड़ें हैं और इन जड़ों से समाज कितना आहत हो रहा है। दरअसल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आग बुझाने के उपकरणों को लगाने का आदेश दिया था, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों में 3-3 अग्निशमन उपकरण यानी फायर उपकरण खरीदे जाने थे। हर अग्निशमन यंत्र की कीमत 8,321 रुपए थी। इसी आदेश पर अमल करते हुए 11 फरवरी 2015 को शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने 62,105 स्कूलों के लिए ठेके के आदेश जारी किए, लेकिन वित्त मंत्रालय की आपत्ति के बाद मार्च में इस पर रोक लगा दी गई। उधर सरकार में सहयोगी शिवसेना ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर एक के बाद एक लगते आरोप पर बीजेपी की खिंचाई की है। इससे पहले विनोद तावड़े पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा था, लेकिन वो विवाद परवान नहीं चढ़ा और अब वो फिर एक नए विवाद में घिरते दिख रहे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।